हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं, लकवे की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारा हाथ पैर कोई भी इफेक्ट हो सकता है, उसकी मूवमेंट में लॉस हो सकता है, क्योंकि ये हमारा ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे मसल्स के मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है। हमारे मसल्स की मूवमेंट में लॉस आता चला जाता है, आपके हाथ पैर की मूवमेंट रुकती चली जाती है, वहाँ पे स्टिफनेस कॉज हो सकती है। तो ये तो रहते हैं हमारे सिम्टम्स जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन इस बीमारी को अगर हमें पहले से पहचानना है, हमें पैरालिसिस हो रहा है इस टाइम पे, इसको डायग्नोस करना है, तो उसके लिए अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, दो कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है या फिर वहाँ पे हेमरेज क्रिएट होती है, वहाँ की नस फट जाती है। अब उसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपकी हाई शुगर वैल्यूज़, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या फिर कोई भी आपका इंजरी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, मे बी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, या आप कहीं से गिर गए हैं उसके कारण से ये भी हो सकता है। लेकिन हर कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि हमें पैरालिसिस अब हो रहा है, उसके लिए हमारे जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसको हमें जानना होगा। जब भी किसी को पैरालिसिस हो रहा होता है, पहले उसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर अदर दैन ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा एक एक्सीडेंटल कंडीशन है, वो कभी भी किसी को हो सकती है, उसमें हो सकता है आपको अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दिखने का मौका ही ना मिले, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी कंडीशन है। बट जहाँ हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है, हाई शुगर लेवल्स की बात आती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी कोई ना कोई ऐसा सिम्टम दिखा रहा होता है या कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन दे रहा होता है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पैरालिसिस होने वाला है, उससे पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी स्पीच बहुत लंबी हो सकती है, मतलब आपको अगर कुछ पानी मांग रहा है पेशेंट, तो वो ऐसे बोलेगा पानी पानी दे दो, बहुत लॉन्ग होते चले जाते हैं वर्ड्स, डिले आता चला जाता है, तो आपको लगेगा कुछ बिहेवियर चेंज्ड है पेशेंट का, ऐसा हो सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा हाथ पैर में ऐसे लगता है चीटियाँ चल रही है, या बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन सी होने लग जाती है, पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसे झंझनाहट सी महसूस हो रही है सिवियर, या फिर पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरा एक साइड का हाथ या पैर, या अगर सिर्फ हाथ इफेक्टेड है तो हाथ, मैं उससे कुछ सामान उठा तो पा रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा हूँ, एज सच स्ट्रेंथ फील नहीं हो पा रही हाथ या पैर में। कभी कभार पेशेंट को चलने में एकदम से डिफ़िकल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की लिम्पिंग सी स्टार्ट होती है, वो चल तो पा रहा होता है बट उसको एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो ऐसे जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं पैरालिसिस अटैक होने से पहले। और आपका कभी कभार क्या होता है, माउथ से सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, हल्का सा डेविएशन होनी स्टार्ट होती है, एकदम से नहीं होता। आप उबासी ले रहे हो, आपको उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, आप खाना खा रहे हो, चम्मच मुंह तक ले के जा रहे हो, और सडनली आपको लग रहा है कि मेरा हाथ इतना मूव नहीं कर पा रहा है, या मुंह में से सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वो खाना मेरे मुंह तक नहीं जा पा रहा है, या मैं सॉलो नहीं कर पा रहा। ये सारे ही सारे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं पैरालिसिस के। तो इन्हें समझना ज़रूरी है, इन्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, या आप खुद में ही ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, या किसी फैमिली मेम्बर में ऐसा आपको नज़र आ रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल हमें इमरजेंसी में रन करना ज़रूरी है। साथ के साथ ऑन द स्पॉट हमें अपना ब्रेन का MRI करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें 3-4 घंटे मिलते हैं उसको डिसॉल्व करवाने के लिए। उसके लिए कुछ इंजेक्टेबल्स आते हैं, कुछ मेडिसिंस देते हैं डॉक्टर्स, आपका ब्लड थिनर्स दे देते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और हमारे ब्रेन के उस हिस्से को उतना ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे जितना इन फ्यूचर हो सकता था। तो अगर हम अपनी कंडीशन को एज सून एज पॉसिबल डायग्नोज कर लेते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम उस कंडीशन तक नहीं पहुंचते, उस कॉम्प्लिकेशन तक नहीं पहुंचते जहां पर एक पैरालिसिस का पेशेंट आगे चलकर पहुंच जाता है, उसकी मूवमेंट कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, खाना पीना नहीं खा पाता, कुछ उठा नहीं पा रहा होता, चल फिर नहीं पा रहा होता, कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है। तो हम अगर अर्ली कंडीशन में अपने आप को इतना सचेत रहते हैं, इतना जागरूक रहते हैं कि हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी में, तो हम फटाफट हॉस्पिटल रश कर सकते हैं पेशेंट को, या खुद आप पहुंच सकते हैं वहां पर,
उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है उस चीज़ को जानना। तो आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पैरालिसिस के। नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत से ऐसी टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पैरालिसिस के पेशेंट अगर अपनाता है तो जल्दी रिकवरी पा सकता है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है अपनी कंडीशन को लेकर, साइंस एंड सिम्टम्स को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप बेझिझक हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई भी रिपोर्ट्स हैं MRI की, CT की, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।